वेलकम टू एडीहॉलिक। आज हम यूपीएससी 2020 में पूछा हुआ एक क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट लेंथ एक्स सच दैट 3 1/2 m एंड 8 3/4 m आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एक्स। ऑप्शन ए 1 1/2 m, ऑप्शन बी 1 1/3 m, ऑप्शन सी 1 1/4 m, ऑप्शन डी 1 3/4 m। तो चलिए इसे सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन इसमें क्या बोला गया है कि ये जो 3 1/4 और 8 3/4, ये इन नंबर में से किसका मल्टीपल इंटीग्रल हो सकता है। तो चलिए क्वेश्चन चेक करते हैं। पहले हम लोग पहले क्या करेंगे, 3 1/2 एंड 8 3/4 को ऐसे लिख लेंगे, 3 × 2 + 1/2। ये क्या होगा, 3 × 6 6 + 1 7, 7/2। हम ऐसे लिख सकते 3 × 6 + 1 7, 7/2। ये भी कैसा होगा, 8 × 4 = 32, 32 + 3 = 35, 35/4। हम ऐसे लिख सकते हैं इन दोनों को। अब देखना है कि अभी इन जो नंबर्स दिए गए हैं ऑप्शन में, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये नंबर हमें मिलता है क्या, ये चेक करना है। अब सपोज हम पहला लेते हैं ए, ए दिया गया 1 × 1/2, तो 2 × 1 = 2, 2 + 1 = 3, तो ये क्या आता है 3/2। अगर हम इसको 3 को 2 से मल्टीप्लाई करते तो 3 × 2 = 5, 5/2 नहीं हो सकता। हाँ, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करते तो 3 से तो 9, 9/2 होगा। तो 9/2 पर हमें क्या चाहिए, 7/2। तो ये पॉसिबल हो रहा है क्या, नहीं। इसके लिए क्या होगा, ये कट जाएगा। अब ऑप्शन बी देखते हैं, 1 और 1/3, 1 1/3, इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 1 = 3, 3 + 1 = 4, 4/3। हम इसके डिनोमिनेटर को सेम कर सकते हैं क्या, नहीं, इसीलिए भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब लेते हैं 1 1/4, 1 1/4, 4 × 4, 4 + 1 = 5, 5/4। इसको हम लगा 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 से तो क्या हो जाएगा 35/4। ये क्राइटेरिया तो फुलफिल कर रहा है, बट ये वाला करता है कि चेक करते हैं, अगर हम लोग 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 5/4 को, तो क्या होगा, 5/4 × 2, तो 2 1 = 2, 2 = क्या हो जाएगा, 5/2। ये भी फुलफिल नहीं कर रहा। अगर हम इसको नहीं, ये फुलफिल नहीं करेगा, इसके लिए भी कट जाएगा। अब देखते हैं ऑप्शन डी, 1 3/4, 4 × 4, 4 + 3 = 7, 7/4। अगर हम लोग इसको 2 से मल्टीप्लाई किए तो क्या हो जाएगा, 2 1 = 2, 2 = जो कि आता है 7/2। और वही अगर हम लोग 7/4 को अगर 5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, 7/5 = 35, 35/4। हमें इसमें दोनों वैल्यू मिल रहे हैं, तो ये क्या होगा, मल्टीपल इंटीग्रल होगा किसका, इन दोनों डिजिट्स का। सो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।